अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार अभी हमें पता चला है कि हमारे मोर भाग गए यार, हमारा मेल मोर और मोर नहीं, दोनों भाग गए यार, सोसाइटी से ही बाहर हो गए। अभी हम जाते हैं उनको पकड़ते हैं यार, दुआ करेंगे जल्दी से हमें मिल जाए, वो पकड़े जाएंगे ना, होके दूर चले जाए। ओए होए होए यार, ये क्या हुआ? तो यार मोर हमारा पकड़ा गया, हम जा रहे थे रास्ते में, गार्ड भाई आए हैं, वो पकड़ के लेके आ गए हैं। वो कह रहे थे एक खजूर में फंस गया था जाके, तो अभी हम इसको उठा लेते हैं। यार क्या किया ये तुमने? अभी ये तो तुम्हारा पूंछ आया था, भाग के क्यों गए थे तुम? यार देखें, सारा का सारा पूंछ इसका जाया हो गया, अभी इसका पूंछ हुआ था, इसने क्या पत्नी हरकत की है, चला गया यार घर से दूर, बाहर रोड पर घूम रहा था। मैं पकड़ने जा रहा था और पीछे से गार्ड भाई आ गए कि भाई हमने पकड़ लिया बड़ी मुश्किलों से। अब कितना बदसूरत लग रहे हो तुम, कितना प्यारे थे, अब पूंछ को फैलाते रहना तुम। खैर यार, ये हम पर रख लेते हैं मोर के, बहुत ज्यादा अब मुझे दुख हो रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हो गया है। पत्नी क्यों ऐसा हुआ है यार? क्यों हुआ भाई? मोर जो हो गया ना हमारा, बहुत ही बदसूरत हो गया, तुम्हें मैं दिखाता हूँ, उसने जो हरकत की है ना पता चल गया होगा, आ जाओ। ये वही मोर है? जी हाँ भाई, ये वही मोर है यार, बेचारा देखो टकला। ओए 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 ओए, कैसी निकालो, इसको तो पहले निकालो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो क्या कह रहा था तुम्हें? अफसोस है तुम्हारी सोच पर, घटिया सोच पर, हद हो गई है। एक वैसे हम इसको इतना बुरा भला कहते हैं, मुझे लगता है इसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब इसका ये खोलो रस्सी है, हाँ। जंगली बना दो इसको, क्या कहते हो? तो यहाँ पर खोले? हाँ जहाँ पे भी खोलो भाई। दिमाग खराब सिप्टैन के काम देगी क्या? पागलों वाली बातें कर रही है। मैं आपको करीब से दोस्तों अपना मोर दिखाता हूँ कि वो बेचारा किस तरह से हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारा मोर। वाह भाई वाह, क्या काम किया तुमने। खैर कोई नहीं दोस्तों, ये बेचारा रास्ता भटक गया था, फिर गार्ड भाई गए, उसने ना पूंछ से खींच लिया इसको, तो हाथ में आ गया पूंछ सारा का सारा। खैर हमारा मोर बिल्कुल ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, चोट पोट नहीं लगी, पूंछ तो वापस आ जाएगा कुछ महीनों के बाद, अभी जो होना था हो गया। खोलता हूँ, ना चिल्लाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, अपनी माँ के पास आओ, शाबाश। इनकी माँ यहाँ पर बच्चों को अकेले छोड़ के क्या कर रही है यहाँ पर? ये तो बच्चों के बच्चे के पास आ गया यार, सिप्टैन अंदर जाना चाह रही है, इनको अपनाना चाह रही है क्या ये? वे इसको क्या हो गया दोस्तों, देखें ये अंदर जाना चाह रही है यार, ये समझ रही है इन बेचारों की माँ नहीं है, मैं इनकी माँ बन जाती हूँ। यार एक मिनट से रुको, फिर चेक करें, ऐसा हो सकता है कि इनको ये पाल ले, माँ बन जाए इनकी? देखते हैं भाई, चेक करते हैं। ओए यार ऐसा हो जाए ना तो आप बड़ी अच्छे से केयर होगी इन बच्चों की भी। ये तो कुछ नहीं कह रही सिप्टैन, कुछ नहीं कह रही इन बच्चों को, इसके ये वाले बच्चे हम लेके आते हैं और बच्चों के साथ छोड़ते हैं। तो यार मैंने मुर्गी के बच्चों को उठा लिए और अब हम ये ना अपनी बत्तख के बच्चों के साथ छोड़ेंगे और देखते हैं भाई इनकी माँ इनको भी पालती है या नहीं पालती। चलो भाई, ये तुम्हारे दोस्त हैं चुनु मुन्नु। अब ये भी परेशान हो जाएंगे, हमारे इतना बड़ा कबीला तो था नहीं, इतना बड़ा कैसे हो गया, और ये आ गई माँ, अभी देखते हैं यार ये सबको पाल लेगी तो। आप मुझे भी ऐसे लगता है सिप्टैन, अडॉप्ट कर लेगी, ये बच्चों को कुछ नहीं कह रही। वैसे मुर्गियां नए बच्चों को मारती हैं, सिर्फ अपने बच्चों को पालती हैं, नए बच्चे को नहीं पालती, लेकिन ये वाली उनके साथ खेल रही है। तो जरा हाँ, ये देखो ये रोटी पड़ी हुई है, सही है हाँ। ये छोटे छोटे टुकड़े गिरा रही है और डक के बच्चे भी खा रहे हैं साथ में सिप्टैन हाँ। देखना अभी तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा एक मिनट में बर्तन उठा लूंगा, अब देखो। वाह भाई वाह, क्या बात है, इनको तो माँ मिल गई, फ्री में माँ मिल गई इनको। ये देखिए माँ इनको ना खाना खिलाना सिखा रही है सबको। तो भी दोस्तों हम इस मुर्गी को इन बच्चों के साथ ही घूमने देते हैं, थोड़ा सा घुल मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि मुर्गी इन चूजों को कुछ नहीं कह रही, मतलब कि ड्रग्स के बच्चों को। तो यहाँ पर ये घूमते रहे सारे, भाई मजे करो भाई, यही तुम्हारा घर है, आपस में मिलजुल के रहना, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो यार आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे अभी क्या तारीख है, 23 मार्च है, और तुराब ने आपको याद होगा कहा था, मुझे चैलेंज दिया था कि 23 तारीख को हमारी बकरी बच्चा दे देगी। तो अभी मैं आपको आपके सामने दिखाता हूँ कि इस बकरी ने बच्चा नहीं दिया। तुराब भाई आओ, अब अपना सजा सुनो, तुम्हें तो पता नहीं है बकरी कौन सी है, कौन सी बकरी ने बच्चे देने हैं। क्यों नहीं मुझे, इधर आओ जरा, तुम इसका कह रहे हो? ये नहीं वो, ये ये कौन सी भाई बकरी, वो ठहरी है, तुम मुन्नू की माँ को कह रहे हो कि ये बच्चा देने वाली है, तुम्हें अकल भी नहीं है सिप्टैन। यार जो भी है, 23 तारीख है, बकरी ने बच्चा नहीं दिया भाई, 23 तारीख है, 23 तारीख खत्म तो नहीं हुई ना, 24 होगी फिर तुम कहोगे ना, यानी कि आज रात 12 बजे तक बच्चा ना दिया तो क्या सजा है तुम्हारी? वो जो तुम कहोगे मैं, मुझे मंजूर होगा भाई, लेकिन हाँ, अभी तक 24 सही है, अगर 23 तारीख को इसने बच्चा ना दिया तो आपको मैं एक चैलेंज दूंगा, एक अच्छा सा जानवर लाने का जो कि हमने पहले कभी भी ना लिया हो,
ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो बोला था सत्यन, लेकिन 23 तारीख तो खत्म होने दो। ठीक है, अगर आज रात 12 बजे तक बच्चा ना दिया इसने तो आपको एक बहुत ही प्यारा जानवर लाना पड़ेगा हर हाल में। सब दुआ करेंगे कमेंट बॉक्स में बच्चा ना दे, बच्चा ना दे क्योंकि जानवर। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, आपने कमेंट करने के बच्चा ना दो फिर नहीं देगी। तो यार यहाँ पर देखिए हमारे घरों की छतों का काम, मतलब हमारे जानवरों के घरों का छतों का काम शुरू हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ईंटें आ चुकी हैं जो कि ऊपर लगेंगी बेस बनाने के लिए, और यहाँ पर ना इस तरह ऐसे लगते जाएंगे और भी लगेंगे ताकि मजबूती आ जाए, ये छतें गिरे ना बहुत मजबूत होंगी। और यहाँ पर यार हमारी आबशार का काम भी यहाँ तक हो चुका है, इसके नीचे नीचे ऐसे ऐसे बन गए हैं, बाकी इसकी डिजाइनिंग होगी। क्या हुआ? ये वो बना के चले गए, सही है। हाँ। उन्हें बोला ये फाइनल है। फाइनल है? हाँ, इसके बाद वो इसको फिनिशिंग करेंगे, सीमेंट वगैरह लगाएंगे। हाँ। लेकिन मैं ये नोट कर रहा हूँ, हाँ? ये चीज कहाँ है भाई, ये स्लेब वाले कहाँ है, ये पत्थर कहाँ है, आगे के निकला हुआ है जो, ये है ना, उन्होंने बोला ये है तो इधर देखो, इधर आओ जरा। हाँ हाँ, ये इतना चौड़ी है, लंबी है, आगे की तरफ ढली हुई है। हाँ, तो ये चीज नहीं है भाई। हाँ, यहाँ पे कम है यार, वो कल आएंगे ना उनको बोलेंगे ना यहाँ तक इसको लेके आए, इस चीज को ऐसे घुमा के वहाँ तक लेके जाएंगे, आगे बन जाए। क्या लगता है वो फिर इसको आगे कर देंगे? ऐसा हाँ? नहीं होता है, फिर तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं है, नहीं है, फिर क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्या हो गया भाई, ये स्लेप है, अगर इसको ऐसे ही आगे लेकर आएंगे तो भाई तुम टेंशन ना लो, जैसा हम कहेंगे वैसा ही बनेगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। सुराब यार खाम खाम ऐसे टेंशन ले रहा है, इसको मैं समझा दूंगा कि सब कुछ ओके होगा, जैसे हम चाहते हैं वैसे का वैसा ही बनेगा। तो यार अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने पेरेंट्स को ना हैंड टेम की प्रैक्टिस कराना अभी से शुरू कर दूं, क्योंकि छोटों का लेने का फायदा तो हो ना कोई। हर बंदा कहता है कि भाई छोटे तोते लेंगे तो हैंड टेम हो गए, बड़े वाले नहीं होते। तो आज से भाई हम ना क्या करेंगे, इनको अपने हाथ में ऐसे बिठाएंगे, सही है, और फिर इनको हाथ के ऊपर फीड कराएंगे। ऐसे मैं इनको फीड नहीं कराऊंगा जैसे मैं पहले करा रहा था ना, आज से भी मैं इसको हाथ से बिठाऊंगा और फीड कराऊंगा, लाइक ऐसे करके ना, ऐसे इंजेक्शन, ये खुद मुंह खोलेगा। हाँ। और फिर ये अंदर जाएगी। अभी ऐसे तो मेरे एक मुझे भी दे दो ना। अच्छा, अपने हाथ पे एक ऐसे मुझे दे दो, मुझे व्हाइट वाला दे दो यार, व्हाइट वाला तो ये भाई वाला। बहुत डरता है ये, तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। बिठाओ बिठाओ, ये लो, ये बैठ गया ना मेरे हाथ में, हैंड टेम है भाई ये, देखो यार इस तरह से थोड़ी ना बैठा है। ये व्हाइट वाला बड़ा भी हो रहा है, तो आप देख रहे हो व्हाइट वाला था भी बड़ा सीता है। हाँ ऐसे ही है। बाकी सब कैसे हो गए, बड़े हो गए ये लोग? सारे बड़े हो गए, जो सबसे छोटे थे उनकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, जो गोश्त थे वो कैसे, छुपा कैसे हुआ है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखो। वाह, इसके पर आ गए, पहले आपने देखा था सिर्फ यार गोश्त का लोथड़ा था, अभी इसके पर आना शुरू हो गए। और ये उससे भी छोटा, जिसको तुमने बोला था कि ये डायनासोर की तरह है। हाँ, इसके भी अब अपने पर आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, रख दो रख दो। तो माशाल्लाह से दोस्तों हमारे सारे पैरेट्स के बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। आज चौथा पांचवा दिन हो रहा है इनको, तो अभी इनको वापस हम रूम में रख देते हैं और फिर इनको रात को डाइट देंगे 10 बजे। सारा दिन हमारी चिक्की, ये वाली चिक्की होती है उस रूम के अंदर, और शाम को हम इसको ओपन एयर में यानी कि यहाँ पर बंद कर देते हैं। और जो ही कोई करीब इसके आते हैं ना, पता नहीं ऐसे उल्टी सीधी क्यों होने लग जाती है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हाँ ये देखें, ये क्या करना चाहती है ये देखें। अच्छा यार पता है तुम्हें हम यहाँ पर क्यों बंद करते हैं? क्यों बंद करते हैं? तो ये भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं होता तुम्हें? नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि हमारे कबूतरों पर बिल्ली अटैक ना कर सके, क्योंकि वहाँ पर है कबूतरों का डरबा। बिल्कुल सही करते हो तुम यार, इतनी अकलमंदी वाली चीजें तुम कर नहीं सकते, ये किसी और का आइडिया होगा। तो भाई हमारे सेफ्टी रूम की छत का भी काम शुरू हो गया, सिर्फ उस छत का नहीं, यहाँ पर भी छत बन जाएगी बहुत जल्द, प्रॉपर कम्प्लीट हो जाएगा हमारा। पागल है, ये सेफ्टी रूम है, ये सेफ्टी रूम बनवाया था हमने, वही है भाई, ये है वेट रूम, इसको हम एनिमल्स की नर्सरी भी बना सकते हैं। मीन्स के यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू करने के लिए एनिमल लेकर आए, तबियत खराब है, जो बनेगा देख लेंगे। तुम्हारा भी आइडिया चेंज होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही कह रहा हूँ, तुम शुरू से सेफ्टी रूम कहीं जा रहे हो। ओके भाई सॉरी। खैर जो भी रूम है यार बहुत जल्द बन जाएगा, इसकी छत का काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और अब मैं आई हूँ अपनी डक्स के बच्चों के पास, देखिए और सारा का सारा खाना इन्होंने खा लिया है। तो ये बर्तन में हटा लेता हूँ क्योंकि काफ़ी गीले हो गए हैं, नहीं तो इसी पानी में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है डक्स के बच्चे पानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और डक्स खुद भी पानी में ही रहती हैं हर टाइम। ये जल्दी से निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी बच्चे यार इनको हीट की ज़रूरत होती है, सर्दी लगी ना बीमार हो जाएंगे। जल्दी से यार मैं निकाल लूँ। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इनको ना सेफ्टी रूम में शिफ्ट कर देते हैं, रात को ठंड पड़ती है ना, ठंड से बचाना है पहले भी मैंने आपको बताया, तो जल्दी से इनको शिफ्ट करते हैं। ठीक है भाई सुबह तुम लोगों को निकालेंगे, अभी रात को यहाँ पर आपने रहना है। दरवाजा बंद कर देते हैं यार अब। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में जात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ओहो मन्नू को यार अंदर ही बंद कर दिया मैंने, आ जाओ मन्नू आ जाओ, शाबाश, चलो माँ के पास तुम्हें छोड़ता हूँ, आ जाओ शाबाश।
चलो 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 चलो।